इधर होके बैठो, तुम पहली दफा देखा है मैंने तुम्हें, कौन हो तुम? कौन हो तुम भाई? ईटी में पास हो? कैसे पास हो? कितने नंबर आए? इसके नहीं आए, तो कहते नहीं नहीं समझे ना कि वो पास है। अच्छा भैया अभी तक देखो, बड़ा जरूरी बात, वेबफॉर्म बनाना आया था? क्यों भाई? कैसे? नहीं इसकी रहेगी, इसकी नहीं आएगी। चलो ठीक है, तो ये फॉर्म हमने बनाया था, ये बनाना आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फॉर्म बनाता हूँ। एक पेज बन गया हमारा वेब फॉर्म वन, अब एक वेब फॉर्म टू बनाना है। एड न्यू आइटम, ये पेज बनाना है सबको? यस सर। अब एक नया वेब फॉर्म बनाया मैंने, कहा जी एक ऐड न्यू वेब फॉर्म टू बन गया। अब वेब फॉर्म टू जब बना है तो जब मैं इसके डिज़ाइन में आता हूँ तो ये फिर से एम्प्टी है, खाली है ही, कोई नहीं डिज़ाइनिंग इस पर। तो क्या अब इस पर हेडर फुटर नेविगेशन क्या दोबारा लगाऊँ? क्या करूँ? कॉपी पेस्ट कर लूँ? यहाँ पे ना इस तरह से फाइल इंक्लूड नहीं होती। यहाँ पे एक बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है बच्चे, मास्टर पेजेस का, ASP.NET का बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है मास्टर पेज। अब आपने ये पेज बनाना, प्रॉब्लम समझ आ गई कि भाई जितना फॉर्म अब खाली कोई नहीं, अब हमें कोई इनको इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी। जो आप कह रहे हो इंक्लूड करवा दें, वो इनहेरिटेंस हमें करनी पड़ेगी। अब आपने हमें कभी भी ये फॉर्म नहीं बनाना, आपने पहले मास्टर पेज बनाना है फिर आगे काम स्टार्ट करना। एड हाँ राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, बच्चों को पता लग गया कि हमारी 20 में क्लास है। ऐड न्यू आइटम, मैंने कहा जी अब यहाँ पे वेब फॉर्म तो नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन नीचे ऑप्शन आ रही होगी कहीं पे। ऑप्शन क्या आ रही है कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? एक मास्टर पेज बनाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जी माय, थीम पेज का नाम क्या रखा? ऐड किया, ये पेज बन गया माई थीम डॉट मास्टर। ये कभी ब्राउजर में व्यू नहीं होगा, है वैसे ही जैसे ASP का पेज होता है, एक फ्रंट एंड वाली फाइल और एक इसकी कोड बैंड वाली फाइल, तीसरी इसकी डिज़ाइनर वाली फाइल। अब इस मास्टर पेज के अगर डिज़ाइन व्यू में जाऊँ तो कुछ आएगा? एम्प्टी है। अब करना यह है कि वेब फॉर्म वन हमने बड़ी औखे तरीके से डिज़ाइन किया था, तो हम यहाँ पर इसका सोर्स कोड क्या कर लेते हैं? यस, हम कॉपी कर लेते हैं, ये मेन डिव लगाई थी इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी। वेब फॉर्म वन जो पहले की पिछली क्लास में डिज़ाइन किया था उसमें मेन डिव कॉपी की, थीम डॉट मास्टर पे आए, मास्टर पेज के ऊपर आके ये फॉर्म, उसके अंदर एक डिव लगी है भैया, उसके अंदर एक अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर है, ये ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया। और वो वाला कोड मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? अब मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ तो क्या नज़र आएगा कुछ? क्या ये वैसा ही पेज है जैसे वेब फॉर्म वन था? हाँ यस सर, हाँ। तो आपको स्टाइल शीट का रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे आए कंटेंट में, मैंने लिखी थी माय स्टाइल, ड्रैग ड्रॉप टाइटल के बाद ड्रॉप की एंड डिज़ाइन व्यू, मास्टर पेज रेडी हो गया। अंडरस्टैंड? सोर्स कोड में आए। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मास्टर पेज के अंदर आपने ये जो कंटेंट वाली डिव है, ये जो कंटेंट वाली डिव है इसके अंदर एक कंट्रोल लगाना है। क्या लगाना है? हाँ जी, और वो कंट्रोल कौन सा है? कंटेंट प्लेस होल्डर, ड्रैग किया ड्रॉप किया, डायनेमिक वैल्यूज़ नहीं। दरअसल जो पोर्शन आप मास्टर पेज पर डाल दोगे ना, जो पेज आप उसको यूज़ करके बनाओगे, वहाँ पे आप उसके हेडर फुटर में चेंज नहीं कर सकोगे। अगर कोई चेंजेस करनी है मास्टर पे आगे करनी पड़ेगी। कंटेंट प्लेस होल्डर लगाने से ये इस काबिल बन जाता है कि आप इसके कंटेंट में हर पेज पर चेंजेस कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? कंटेंट प्लेस होल्डर लगा दिया। अब देखते हैं कि आप क्या असर होता है। अब राइट क्लिक किया, मैंने एक नया फॉर्म बनाना है, ऐड न्यू आइटम। मैंने कहा जी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ वेब फॉर्म यूजिंग? मास्टर पेज में चेंजिंग भी कर सकते हैं? मैंने कहा जी माय थीम डॉट मास्टर पेज करना लाजमी है?
बिल्कुल लाजमी है। अब मैं इसके डिज़ाइन में आया तो ये देखो इधर क्रॉस लगा हुआ है, आप देखो ना इधर चेंजेस कर सकता हूँ ना नेविगेशन को छेड़ सकता हूँ, हाँ कंटेंट अपनी मर्जी का दे सकता हूँ, ठीक है। ये एक पेज डिज़ाइन हो गया वेब फॉर्म 3, अब नया वेब फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ वेब फॉर्म 4 लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज माई थिंक डॉट मास्टर पे आए, इसके डिज़ाइन व्यू में गए, ठीक हो क्या? मास्टर पेज पे कोई गलती है क्योंकि यहाँ पे ये कॉमा सा आ रहा है, तो मास्टर पेज पे जाके चेंजेस देखते हैं। ये देखो मेरे से यहाँ पे कॉमा सा लग गया, देखें ये अब ठीक हुआ है। अब वेब फॉर्म 4 पे डिज़ाइन में जाऊँगा तो आप देखो आप डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है, वो कॉमा सा रिमूव हो गया। तो मास्टर पेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब अगर ये देखो हेडर में क्या लिखा हुआ है, ये इसे हज़ार पेज बनाया है, हज़ार पेज बनाया है रोजी डॉट पीके को यूज़ करके। अब मैंने कहा नहीं, मैंने इसका नाम चेंज करना है ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, मास्टर पेज में जाके ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट करूँगा, हज़ारों पेजेस का खुद बहुत चेंज होगा वेबसाइट चलते चलते। आप जो पेज मास्टर अब देखो जो यूजिंग मास्टर पेजेस बन रहे हैं वो कॉन्टेंट प्लेस होल्डर लगाने से ही फायदा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी का कॉन्टेंट प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन हेडर फुटर नेविगेशन बिल्कुल नहीं छेड़ सकता क्रॉस है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें चेंजेस करनी तो कहाँ आना पड़ेगा, माय थिंग डॉट मास्टर, यहाँ पे आके नेविगेशन चेंज कर लो, फुटर चेंज कर लो, जो के चेंज करोगे फुटर एट द रेट दिस दिस दिस, अब यहाँ चेंज किया सारे पेजेस पे हो गए। वेब फॉर्म 4 के भी देखो फुटर पे नीचे आ गया, लेकिन अब यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते। किसमें? अच्छा अगर तुम ये चाह रहे हो कि हर एक पे फुटर भी बदल सकूँ तो फिर वहाँ पे फुटर की जगह कंटेंट प्लेस होल्डर लगा दो, तो हर एक पे फुटर भी बार बार देना पड़ेगा। ये सर मतलब जो भी चेंज करेंगे मास्टर पेज में करेंगे? नहीं ऐसी बात ही नहीं होगी। मास्टर पेज क्यों बनाया बताओ? पहली बात तो ये भाई रीयूजेबिलिटी के लिए, क्योंकि हर पेज के ऊपर हेडर फुटर नेविगेशन सेम है, मास्टर पेज बना के रख दिया, अब जितने पेज बनाओ यूजिंग मास्टर पेज, और अब चूंकि हर पेज यूजिंग मास्टर पेज बन रहा है तो कुछ डिज़ाइन पीछे से आ रहा है, कुछ अपना देना है, और जो डिज़ाइन अपना देना है वो कंटेंट में देना है। सही है, थोड़ी चीज़ मुश्किल। अच्छा अब मैंने इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, ज़रा एक और चीज़ आपको बता दूँ। है किसी के पास 3G 2G मोबाइल पे? कर दो यार, बच्चे कोशिश किया करो टाइम पे आया करो। बातें नहीं, क्या मसला? एक तो लेट आए, ऊपर से बदमाशी कर रहे हो।